आज तो इतनी थकान हुई है तो घोड़ा हाथी ऊंट सब बेच के शांति से सोऊंगा। नीरज को कौन है वो? नीरज को इसने मेरे कौन बजा रहा है? नीरज को कौन होगा? नहीं नहीं अकेले नहीं जाता हूँ, जीठिया को जगाता हूँ, उसे साथ ले जाऊंगा, एक से भले दो। अरे कब से कोई डोरबेल बजा रहा है? अरे डोरबेल डोरबेल बजा रहा है कब से कोई? अरे हाँ क्या बापू जी? अरे कब से कोई डोरबेल बजा रहा है इतनी रात को हमारे घर की? अरे किसी और के घर की डोरबेल बज रही होती तो मैं तुझे क्यों जगा था? हाँ पर इतनी रात को कौन डोरबेल बजा रहा है? ये मुझे क्या मालूम, चल चल के देखते हैं। चल जल्दी चल 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 चल। एक मिनट रुक, कौन है कौन है? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? अबू जी किसी ने डोरबेल बजाया ही नहीं होगी, आपको भ्रम हुआ होगा। ये भ्रम वाली, मैंने अपने कानों से अपने घर की डोरबेल बजते हुए सुनी है, मैं एकदम श्योर हूँ। हेलो कौन है? जवाब क्यों नहीं दे रहे बाबू जी? मुझे क्या मालूम, उसमें से देख। कोई दिखाई नहीं दे रहा। बॉक्स, ये बॉक्स डोरबेल बजा रहा था भी बोल रहे सुनी जा। थैंक यू बाबू जी। अरे ये थैंक यू वाली, मैंने बोला जाके सो जा तो चला सुने, तू क्या बेताल है? मैं बोला और तू चला, तो पता तो कर ये बॉक्स कौन रख के गया है। किसको पूछूं बाबू जी, यहाँ तो कोई नहीं है। कमाल है, इतनी रात को बॉक्स रख के कौन भाग गया? ये बॉक्स वैसे बाबू जी गिफ्ट बॉक्स लग रहा है, इतनी रात को किसने भेजी होगी गिफ्ट? क्या पता, हाँ देखते। ये कौन है? यहाँ तो कोई नहीं है बापू जी। हाँ तो अभी बॉक्स अंदर ले ले फिर देख। क्या कर रहा है, उठा ले अलसी कहीं का। Thank you.
कौन है? यहाँ पे तो कोई भी नहीं। पता नहीं अंजलि, मैं किसने बेल बजाई, मैं बाहर आया, देखा कोई भी नहीं है, फिर ये गिफ्ट बॉक्स मिला। इतना बड़ा गिफ्ट, देखते हैं ना इसमें क्या है। ऐसे कैसे अंजलि, पता नहीं किसने भेजा है, किसके लिए भेजा है, ऐसे कैसे हम किसी और का गिफ्ट खोल सकते हैं? तारा गिफ्ट है, किसी ने सरप्राइज दिया होगा, और जब तक खोल के नहीं देखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि इसमें क्या है। चलिए खोलते हैं ना इसे, चलिए अंदर चल, चलिए। कौन होगा? क्या हुआ कोमल? अंश कोई कब से डोरबेल बजा रहा है? सुना, इस वक्त कौन होगा? कोई पेशेंट हो सकता है। हा? चलो चलकर देखते हैं। तो चलो। बेबी, तुमने बेल बजाई? नहीं नहीं मम्मा, मैंने बेल नहीं बजाई, बेल बजी इसलिए तो मैं बाहर आया दरवाजा खोलने। लेकिन यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। हाँ। अरे ये गिफ्ट बॉक्स किसने रखा है? गिफ्ट बॉक्स? पापा, इसमें से तो मिठाई की खुशबू आ रही है। हाँ। लगता है इसमें बहुत सारी मिठाई है। अरे वाह, चलो अंदर चल के देखते हैं। अरे पर पापा, है गिर जाएगी मिठाई, गिर जाएगी पापा। अर्धी राते बेल कौन बजा रहे छे? रोशन, रोशन उठ। एक पान पर कोई छे बेल बजा रहे छे। रोशन उठ नहीं बाबा। अरे दरवाजे पे कोई बेल बजा रहा है। वहा ये तो अपने दरवाजे की घंटी है। अर्धी रात को कौन है? पता नहीं, मैं देख के आता हूँ। ओए आ रहा भाई। एक मिनट, तुझे कैसे मालूम है भाई है? अरे सुनिए, अंदाजा लगाया। मैं भी आती हूँ। वो कौन है भाई? रोशन भैया, तो कोई नहीं, डोरबेल कौन बजा रहा था? मैंने तो बहुत भीख लगे छे। ओए सुनियो, वो मेरे होते हो, डरने की क्या बात है? मुझे लगता है मजाक मजाक में कोई घंटी बजा के चला गया। चल रोशन, आई जो गिफ्ट बॉक्स। लेकिन ये भेजा किसने होगा? जरूर ये मेरे दोस्त बिट्टू की कारस्तानी है, उसको सरप्राइज देने का बड़ा शौक है। गिफ्ट रख के कंटिन्यू बजा के चला गया। चल गोगी को उठाते और साथ में मिलके देखते हैं कि गिफ्ट बॉक्स में क्या है। आजा। माधवी, डोरबेल बज रही है। डोरबेल बजते तो दरवाजा खुलना होता है। इतनी रात के कौन आया होगा? देखो ना, कल सुबह देख लूंगी, दरवाजा खोलूंगी तब तक वो वहां खड़ा रहेगा क्या? देवा आओ। कौन है?
काय कोण है? अयो किसने दिया? पता नहीं। काय झालं आई, ये रात में बेल कौन बजा रहा था? अगर कोई गिफ्ट बॉक्स रख के गया यहाँ। तो बड़ा गिफ्ट बॉक्स। ए सुनो, हाथ क्यों लगाया? बाबा कोई इतने प्यार से गिफ्ट रख के गया है तो देखते तो है। तुम्हें पता है कौन देके गया है? नहीं। तो किसी अनजान का दिया गिफ्ट बॉक्स क्यों खोलना है तुम्हें? पर ओपन तो करते हैं, आइए। अरे 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 सुनो, इतनी रात को? हाँ देखता हूँ, चलो मैं भी आती हूँ। अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ये देखो गिफ्ट। अरे ये यहाँ पर कितने रखा? चलो जाके देखते हैं, नाम लिखा हो शायद। इतनी रात को कौन होगा? रिश्ता? इतनी रात को कौन रिश्ता लेकर आएगा? पोपटलाल खुशियां घड़ी देखकर नहीं आती, हो सकता है दरवाजा खुलते ही तुम्हारी भी किस्मत का दरवाजा खुल जाए। अरे आ रहा हूँ, आ रहा हूँ भाई। तो कोई नहीं है। ये क्या है? गिफ्ट बॉक्स? ये रात को ऐसे यहाँ पर ये किसने रखा होगा? अरे चलो भी, कब तक देखता रहेगा? खोलने बॉक्स। अंदर क्या है वो बिना जाने कैसे खोल सकते हैं बॉक्स बापूजी? अरे लेकिन बिना बॉक्स खोले कैसे पता चलेगा कि अंदर क्या है? आपको क्यों जानना है अंदर क्या है? मेरा मतलब है अभी आधी रात को क्यों जानना है? तो कब जानना है? कल सुबह तक राह देखते हैं बापूजी, हो सकता है किसी का फोन या मैसेज आ जाए कि हमने आपके लिए फला फला चीज भेजी है, तो पता चल जाएगा ना किसने हमारे लिए क्या भेजा है। नहीं, मुझे अभी क्या भी जानना है। सर मैं ही बॉक्स खोलता हूँ। नहीं आप रहने दीजिए, मैं खोलता हूँ बापूजी। मैं खोलता हूँ। तो खिलौना है बापूजी। हैं? खिलौना? हाँ देखिए। हाँ ये तो खिलौना है। अरे भले ही खिलौना हो, ये क्या तरीका है? आधी रात को बॉक्स में से कुत्ता उछल के बाहर आता है। बापूजी लगता है किसी ने हमारे साथ मजाक किया है। हैं? ये तो मुझे अभी पता चला। अरे कौन है वो मछली को जिसने आधी रात को ऐसी गिफ्ट भेजी है? क्या सोच रहे हैं? यही कि गिफ्ट किसने भेजी है? वो देखकर नहीं, खोल कर पता चलेगा। अजीत जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है वो कैसे खोल सकते हैं? पर तारक देखिए ना, बॉक्स कितना अट्रैक्टिव लग रहा है और इसके अंदर भी कुछ एक्साइटिंग ही होगा।
अंजलि ये किसने भेजा है, क्यों भेजा है, हमें कुछ पता नहीं है। अरे वही तो पता लगाना है, मैं खोल कर देखती हूँ। अंजलि नहीं, तुम जाके सो जाओ, मैं गिफ्ट बॉक्स डस्टबिन में फेंक के आता हूँ। तारक रुकिए, तारक घर पे आए गिफ्ट बॉक्स को आप डस्टबिन में फेंकेंगे? नहीं, एक बार खोलने तो दीजिए। अरे अंजलि नहीं, तारक प्लीज। अच्छा रुको रुको, मैं देखता हूँ, ठीक है चलो। लेकिन ये किसने भिजवाया है? जहाँ से आपने मंगवाया है उसी ने। हा? अच्छा, इसलिए मुझे गिफ्ट बॉक्स खोलने नहीं दे रहे थे, कह रहे थे अंजलि तुम सो जाओ, मैं इसे डस्टबिन में फेंक कर आता हूँ। नहीं अंजलि, तुम गलत दिशा में सोच रही हो। गलत आपने किया है, इतनी रात को आप ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना मंगवाते हैं, वो तो अच्छा होगा कि मैं नींद से जानती। तारक कब से चल रहा है ये सब? अंजलि मैंने नहीं मंगवाया है। अच्छा तो फिर ये पिज्जा आया कैसे? अंजलि जितना तुम्हें इस पिज्जा के बारे में पता है उतना ही मुझे पता है। मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी, और आज के बाद मैं आपके लिए कभी खाना नहीं बनाऊंगी। ऐसे ही ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए और खाइए रोज। सच सच में अंजलि मुझे नहीं पता ये पिज्जा किसने भिजवाया है। एक मिनट, क्या इतना कहने के बावजूद भी आपको पिज्जा खाना है? आ नहीं रहा हूँ, देख रहा हूँ। नकली पिज्जा? हाँ, विश्वास नहीं हो रहा है, खा के देखो। ये तो नकली है, मतलब आप सच कह रहे थे? एग्जैक्टली, किसी ने हमारे साथ मजाक किया। ऐसा मजाक हमारे साथ कौन कर सकता है? ये पापा मैं खोलता हूँ, मैं खोलता हूँ। नहीं पापा मैं खोलता हूँ, मुझे खोलने दे। नहीं मैं खोलता हूँ पापा, तकलीफ मत लीजिए पापा। तुम दोनों इस बॉक्स को खोलो। बेबी हंस, पापा यहाँ से मैं खींचता हूँ, वहां से आप खींचे, ओके? ठीक है, 1 2 3। वाओ, इतना बड़ा लड्डू। माय गॉड। एक मिनट हंस, हमें नहीं पता किसने भेजा है और तुम खा रहे हो। कोमल, मिठाई तो भगवान का प्रसाद होता है, और प्रसाद को कभी मना नहीं करना चाहिए। हाँ बाबा, और प्रसाद को हमेशा शेयर करके खाते हैं। आधा 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 बेबी, ठीक है आधा आधा खाते हैं। लाइए पापा, ये लो। अरे क्या हुआ? अरे कुछ तो बोलो हंस। अरे क्या हो रहा है आप दोनों को? मम्मा ये लड्डू नहीं है, ये लड्डू नहीं है। मतलब ये कड़वा है, करवे से भी ज्यादा कड़वा। मैं अभी आप दोनों के लिए पानी और कुछ मीठा लेकर आती हूँ, जल्दी प्लीज प्लीज। मीठा मीठा, मैं दरवाजे से वो बॉक्स उठाना ही नहीं चाहिए था। सही बात है, ये लड्डू है। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आधी रात को आपकी डोरबेल बजे तो आपके मन में कैसे ख्याल आएंगे? भाई कौन आया है, क्यों आया, इस वक्त क्यों आया, ऐसे हजारों सवाल आपके मन में आएंगे। हम गोकुल धाम वासियों के साथ ऐसे ही कुछ हुआ है, और जब हम दरवाजा खोलने दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खोला तो देखा कि सामने गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ है। भाई गिफ्ट किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन बिना नाम के रखा हुआ गिफ्ट बॉक्स पसीने छुड़वा देता है। गिफ्ट में कुत्ता देखकर जेठालाल और चंपक चाचा डर गए, मेहता का मन नकली पिज्जा देख के मायूस हो गया, और हाथी भाई का मुंह कड़वा लड्डू खा के कड़वा हो गया। जरा सोचिए, अगर इन सब के साथ ये हुआ है तो बाकियों के साथ क्या होगा? कौन है जो ये गिफ्ट भेज रहा है और क्यों भेज रहा है? दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड, तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.